नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता दिल्ली तलब हुए हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाया गया है। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। दोनों ही नेताओं से हार की रिपोर्ट लेगा हाईकमान। चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2% कम हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई। ऐसे में कांग्रेस के नेता को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इन्हें दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में दोनों ही नेता हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। बताएंगे वो कारण कि आखिरकार इतनी करारी हार क्यों हुई। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब हाईकमान को बताना होगा इन नेताओं को कि आखिरकार 29 की 29 सीटें कैसे हार गए, वोट बैंक भी गवा दिया। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत ही खराब, सबसे बुरा प्रदर्शन वाला रहा और पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी 29 की 29 सीटें कांग्रेस ने गवाई है। तो निश्चित ही कांग्रेस के नेताओं का दावा था, रिपोर्ट दी थी कि हम 6 से 7 सीट बहुत अच्छी स्थिति जीत रहे हैं और बड़ी लीड आपको और बड़ी सीट जीत कर तोहफे में देंगे। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए उसमें सबसे चौंकाने वाला रहा कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा कमलनाथ इतने बड़े नेता है कांग्रेस के, उनका गढ़ रहा है, उनके बेटे नकुलनाथ जो खुद सांसद भी थे 5 साल से, वो खुद हार गए। और उसके अलावा दिग्विजय सिंह, एक और दिग्गज जो छत्रप माने जाते हैं कांग्रेस के, वो भी राजगढ़ सीट से हार गए। इसके अलावा जो बड़े इन्होंने प्रयोग किए थे, ऐसे 4 से 5 जो विधायक, जो फुंदेलाल मार्को हो, इन सबको चुनाव मैदान में उतारा था। ये उम्मीद जताई थी कि इस बार कांग्रेस कुछ अलग करेगी और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो 0 MP में कांग्रेस के खाते में भी सीट नहीं आई। और इसी कारण दोनों प्रमुख नेता, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जी 4 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये संगठन के दोनों ही नेता एक तरह से फेल हो गए। तो अब संगठन इनसे पूछेगा, इनसे सवाल जवाब होगा कि संगठन को जवाब देना होगा इन लोगों को, इन नेताओं को। लेकिन वहीं इस बीच शैलेंद्र, सुबह हमने देखा कमलनाथ भी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से भी रिपोर्ट दी गई होगी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तब से लगातार बखिया से उधर रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। हर कोई आ रहा है अपने अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने अपनी जमीन के हिसाब से, वो बता रहा है कारण कि इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे। देखिए, कांग्रेस में लगातार देखा जाए तो एक गुटबाजी हमेशा चरम पर होती है और यहाँ पर हम देखा जाए तो कमलनाथ के हो, दिग्विजय हो, इन सबके अलग अलग गुट है। और यही हुआ कि अजय सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, कद्दावर नेता, उन्होंने जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसी तरह कमलनाथ जिस तरह आज गए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो नया नेतृत्व उसको लेकर असहमति जताई होगी, क्योंकि कमलनाथ को जिस तरह हटाया गया था वो तब से ही नाराज थे। तो सबके कारणों को सुना जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखना होगा कि क्या बदलाव होते हैं। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बीच एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। नई लोकसभा के गठन की तैयारियों के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने चुनाव जीतने वाले सभी 543 विजेता उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 504 नवनिर्वाचित सांसद करोड़पति हैं। नवनिर्वाचित 543 सांसदों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 27 को दोषी ठहराया जा चुका है। बीजेपी के सबसे ज्यादा 63 सांसद दागी हैं। तो एडीआर की यह रिपोर्ट सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने चुनाव जीतकर आए सभी 543 सांसदों के हलफनामों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। सबसे ज्यादा दागी सांसदों की अगर बात की जाए
तो वो बीजेपी के हैं। 63 सांसद बीजेपी के दागी हैं, ये नंबर सभी सियासी दलों में सबसे ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि किस दल में कितने करोड़पति सांसद हैं। तो 240 सांसदों वाली बीजेपी में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है वो दूसरे नंबर पर है। बीजेपी ने कुल 240 सांसद बीजेपी के जीत कर आए हैं, इनमें से 227 सांसद बीजेपी के करोड़पति हैं, 92 सांसद कांग्रेस के करोड़पति हैं। कांग्रेस के 99 सांसद हैं, उनमें से 92 करोड़पति हैं। तो ये हैं करोड़पति सांसद। इसके अलावा सबसे अमीर जो सांसद है कौन से हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी टीडीपी के, सीट है गुंटूर, 5,705 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जो टीडीपी से हैं, तेलुगुदेशम पार्टी से, वो सबसे अमीर नव निर्वाचित सांसद हैं। तो पहले नंबर पर डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, इसके अलावा दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी की चेवल्ला सीट से चुनकर आए कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जिनकी संपत्ति है 4,568 करोड़। तीसरे नंबर पर हैं नवीन जिंदल, बीजेपी के सांसद हैं, कुरुक्षेत्र सीट से एमपी चुने गए हैं, 1,241 करोड़ ये उनकी धन संपदा इतनी है। और ये तीसरे नंबर पर आते हैं सबसे अमीर सांसदों की अगर बात की जाए तो। और अब बात करते हैं कितने पढ़े लिखे हैं आपके सांसद, ये जान लीजिए। पांचवी से बारहवीं पास सांसदों की संख्या है 105, स्नातक हैं 420, डिप्लोमाधारी हैं 17 और साक्षर 1। तो ये है पढ़े लिखे सांसदों का पूरा लेखा जोखा, पांचवी से बारहवीं पास के बीच में है 105, स्नातक 420। सबसे युवा नेता की अगर बात करें तो इस बार बहुत से युवा नेता सांसद चुने गए हैं। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, 25 साल की इनकी उम्र है और ये सबसे युवा नेता, सबसे युवा सांसद इस बार 2024 के चुनाव में चुनी गई हैं। इसके बाद देखते हैं किसका नंबर है सबसे उम्रदराज कौन है, टीआर बालू 82 साल की उम्र है, डीएमके से सांसद चुने गए हैं टीआर बालू, सबसे बुजुर्ग सांसद चुने गए हैं इस बार। और आपराधिक की बात करें, क्रिमिनल बैकग्राउंड की, तो बीजेपी में गंभीर आपराधिक मामले वाले सांसद हैं 63, कांग्रेस के अंदर 32, एसपी के अंदर 17, टीडीपी के अंदर 5, डीएमके के अंदर 6, शिवसेना के अंदर 4 और टीएमसी के 7 सांसद हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब एक और लिस्ट पर डालते हैं नजर कि किस तरह से हम सांसदों का ये पूरा प्रोफाइल आपको बता रहे हैं कि कौन सांसद कितना पढ़ा लिखा है, किस पर कितने क्रिमिनल मामले चल रहे हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा आपने देखा। तो इस बार जो सांसद हैं जिन पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि मामले जिन पर चल रहे हैं आपराधिक मामले, उनकी संख्या भी आपने देख ली है। तो ये एडीआर की रिपोर्ट से ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई है, इन तमाम सांसदों के हलफनामे से ही ये जानकारी इकट्ठा की गई है। राष्ट्रपति भवन पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, नई सरकार के गठन से पहले तमाम जो प्रक्रियाएं हैं राष्ट्रपति ने बुलाया है उन्हें मिलने के लिए, उनके काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले आज दोपहर में एनडीए का डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा था। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए का डेलीगेशन मिल चुका है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब काफिला उनका पहुंचा राष्ट्रपति भवन में, नरेंद्र मोदी का, नई सरकार के गठन से पहले तमाम प्रक्रियाएं यहां नरेंद्र मोदी और एनडीए पूरी करते हुए
राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए बुलाया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। एनडीए का डेलीगेशन दोपहर में पहुंचा था, जहां पर समर्थन पत्र दिया गया था, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था और एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को आज चुना गया संसद के सेंट्रल हॉल में और तमाम सहयोगियों ने उनके नाम पर मोहर लगाई। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद अब शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी कि शाम को 5 से 7 बजे के बीच का समय दिया गया था और अब राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर, 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है और आज जब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की दोपहर में, एनडीए का डेलीगेशन पहुंचा था राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपने के लिए और अब शाम में राष्ट्रपति से मिलने का समय नरेंद्र मोदी का ये मुलाकात तय हुई थी और अब पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन नरेंद्र मोदी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हैं और अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी। तो हर अपडेट इस मुलाकात से जुड़ी हुई आपको पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर अब बात कर लेते हैं जो हम सांसदों के, जो नए सांसद चुनकर पहुंचे हैं उनका प्रोफाइल आपको बता रहे थे, सबसे अमीर कौन है, सबसे युवा कौन है और सबसे उम्रदराज कौन है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जो ये सांसदों का प्रोफाइल निकलकर सामने आया है एडीआर की रिपोर्ट पर जरा बताएं। देखिए निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त में मैं लोकसभा, इस वक्त में मैं संसद भवन के ठीक बाहर हूं और संसद भवन की अगर बात करें तो जिस तरह से आज संसद भवन में नरेंद्र मोदी जो हैं आज जिस वक्त में भाषण दे रहे थे तो वो उस वक्त में अपने तमाम नए सांसदों को संबोधित कर रहे थे और उसमें कई ऐसे सांसद हैं जिसपे जो एक एडीआर की रिपोर्ट में जिनका नाम भी है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो एडीआर जो संस्था है वो तमाम सांसदों के जो रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड के आधार पर बनाती हैं। जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले वो तमाम आपसे ही आंकड़े मांगे जाते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है और उसके पहले उनके खिलाफ कितने मामले रजिस्टर्ड हैं, उन मामलों पे क्या सुनवाई हुई, क्या वो दोषी हुए या नहीं हुए और किन किन थानों में मामला दर्ज है, उनकी आय क्या है, उनका खर्च क्या है, उनके पारिवारिक सदस्य कितने हैं, उनकी उम्र क्या है, तो इस तरह से जो तमाम जो आंकड़े होते हैं वो चुनाव आयोग को देने होते हैं। तो उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ये एडीआर जो है वो तमाम हर साल लगभग इस तरह के जो डाटा जो है उसको वो जारी करता है। हालांकि ये संस्था जो है वो प्राइवेट संस्था है लेकिन इन तमाम आंकड़ों के आधार जो उनके द्वारा बताया जाता है कि वो आधार होता है नॉमिनेशन के वक्त में जो तमाम जो आंकड़े और डिटेल्स जो दिए जाते हैं सांसदों के, जो सांसद उम्मीदवार जो होते हैं वो अपने जो आंकड़े देते हैं उसी को ये एक कंपाइल करके दिखाते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें आपराधिक मामलों की बात कर रहे थे या कौन कितना अमीर है इसकी बात कर रहे थे तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस तरह से काफी आंकड़ा को आपने बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि किस तरह से 543 सांसदों में तकरीबन 227 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वास्ता सीधे तौर पे बीजेपी के साथ है कि 227 कैंडिडेट जो हैं, जो सांसद हैं वो करोड़पति हैं। और शंकर, इसमें से दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस के 99 सांसद हैं उसमें से 92 सांसद करोड़पति हैं। वाकई में 92 सांसद जो हैं वो करोड़पति हैं। तो यह अगर ग्राफ देखा जाए तो बीजेपी के साथ काफी कम है लेकिन अगर आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो आपराधिक मामलों की बात करें
तो परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से शिवसेना का जो ग्राफ है वो काफी बड़ा हुआ है। शिवसेना के 7 सांसद हैं, 7 में 4 दागी सांसद उनको बताया गया है, जिसमें कि उसका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 57% है। हालांकि बीजेपी के कुल 240 सांसदों में जो आंकड़ा है वो 63 सांसद हैं, उनको दागी वाले लिस्ट में डाला गया है, लेकिन वो उनके परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 26% उसका हिसाब बनता है। अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जो हैं उनमें से 17 जो हैं वो उनको दागी बताया गया है, वो 46% हिसाब। तो इस तरह का जो आंकड़ा है ये वो हर साल इस तरह के लगभग आंकड़े जो हैं दिखाए जाते हैं, लेकिन जब जब लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं उनकी एक रिपोर्ट एडीआर के द्वारा लगभग हर लोकसभा चुनाव के दौरान में देखने को मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो महिलाओं के बारे में भी उसमें आंकड़े दिए गए कि इस बार कितनी महिलाएं चुन के आई हैं और किन किन क्षेत्रों से आई हैं और उनका क्या किस तरह का रिकॉर्ड है। तो इस तरह के आंकड़े जो होते हैं हालांकि बहुत रोचक इसलिए इस हिसाब से कहे जा सकते हैं कि उन आंकड़ों को अगर पढ़ें तो पता चलता है कि कितने करोड़पति सांसद हैं। हालांकि करोड़पति सांसद से गरीब जनता की बात करने वाले कितने करोड़पति सांसद पहुंच रहे हैं इस एडीआर की रिपोर्ट से साफ हो जाता है। शंकर, अच्छी बात यह है कि युवा सांसदों की संख्या बढ़ रही है, जो पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, यही हम सोच सकते हैं कि देख सकते हैं कि प्रगति की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 251 नव निर्वाचित यानी कि नए निर्वाचित सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, एडीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।